वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। आज हम वैवाहिक बलात्कार क्या है और इस पर क्यों विवाद होता रहता है उसे समझेंगे। भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता। अच्छा, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए वैवाहिक बलात्कार क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही वाइफ के साथ बिना उसके मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता है, संभोग करता है, तो उसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार ने कहा, वैवाहिक बलात्कार को अपराध करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है और पत्नियों को भी पतियों को सताने का एक आसान औजार मिल जाएगा। ये केंद्र सरकार ने इस याचिका के खिलाफ बोला था। वैवाहिक बलात्कार के बारे में आगे बात करने से पहले भारत के कानून में बलात्कार की क्या परिभाषा है ये समझना होगा। आखिर कानून के अनुसार बलात्कार क्या है, रेप क्या है? IPC की धारा 375 के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ अगर इन 6 परिस्थितियों में यौन संभोग करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे रेप कहा जाएगा। ये 6 परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? पहली, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है, उसे रेप कहा जाएगा। उसके इच्छा के विरुद्ध अगर किया जाए, ये रेप कहा जाएगा। दूसरी, अगर महिला के मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाया जाए, तो वे रेप कहलाएगा। तीसरी, महिला को मौत की धमकी देकर उसे या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, राजी किया गया, तो उसे भी रेप कहा जाएगा। क्योंकि वे राजी तो हुई है, पर क्यों राजी हुई है? क्योंकि उसे मौत की धमकी मिली है, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई, इसलिए, तो इसे भी रेप कहा जाएगा। चौथी है, महिला को शादी का वादा करके उससे संभोग के लिए सहमति लेना भी रेप कहलाएगा। महिला ने यहाँ भी खुद सहमति दी है संभोग के लिए, पर फिर भी इसे रेप कहा जाएगा, क्योंकि उसको शादी का वादा किया गया था और शादी नहीं किया गया। पांचवी, महिला अगर किसी नशे में हो, वे नशे की हालत में हो, या अगर उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, उस समय महिला को संभोग के लिए राजी करवाना भी रेप कहलाएगा। यहाँ भी महिला खुद संभोग के लिए राजी हुई हो, फिर भी उसे रेप कहा जाएगा, क्योंकि वह नशे में है, उसने कुछ नशा किया है, वे सोचने समझने की अभी स्थिति में नहीं है कि वे क्या कर रही है, तो इसको भी बलात्कार बोला जाएगा। और आखिरी परिस्थिति है, अगर महिला की उम्र 18 साल से कम है, तो 18 साल से कम हुआ तो फिर तो पोक्सो एक्ट लागू हो जाएगा, और पोक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र को बच्चा माना गया है, और उसके साथ रेप करना वो अलग मौत तक की सज़ा उसमें होती है। तो ये 6 परिस्थितियों को भारत के कानून में रेप कहा जाता है। यहाँ IPC रेप की परिभाषा तो तय कर दिया है, पर आप देखें तो वैवाहिक बलात्कार का कहीं बात नहीं किया गया है। धारा 376 में पत्नी से रेप करने वाले पति के खिलाफ सजा का प्रावधान है, पर वे भी कब है? जब पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो। अगर 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, तब पति को जुर्माना होगा या फिर 2 साल की सजा हो सकती है। पर यही विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा IPC के धारा 375 में बोला गया कि महिलाएं 18 साल की हो जाती है तभी वे संभोग के लिए अपनी सहमति दे सकती है। 18 साल से पहले अगर महिला के सहमति से भी संभोग हुआ तो उसे बलात्कार बोला जाएगा, उसे रेप कहा जाएगा, क्योंकि 18 साल के पहले तो वह बच्ची है, पोक्सो एक्ट में उसको बच्चा माना गया है। वहीं अब धारा 376 में बोला जा रहा है कि पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक हो तो उसके बिना मर्जी से भी संभोग किया जा सकता है, उसको रेप नहीं बोला जाएगा।
तो यहाँ अलग हो गया, उसमें बोला गया 18 साल के कम उम्र को बच्चा माना गया है, और इसमें बोला गया 15 साल से ज़्यादा उम्र की पत्नी हो तो बिना मर्जी से भी संभोग किया जा सकता है। जबकि पॉक्सो एक्ट में भी जैसा कि बोले 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किया गया यौन शोषण, मौत का प्रावधान तक इसमें लिखा हुआ है पॉक्सो एक्ट में, अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। पॉक्सो एक्ट पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देखिए। तो चलिए यहाँ हम हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बोला गया है उसे भी एक बार जान लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में पति और पत्नी के लिए एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। इसमें संभोग का अधिकार भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि शादी करते समय पति और पत्नी एक दूसरे को संभोग के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक दूसरे को सहमति प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शादी करना ही संभोग के लिए अपनी सहमति देना होता है। कानूनन संभोग से इनकार करना क्रूरता माना जाता है और इसके लिए तलाक भी मांगा जा सकता है। अंग्रेज जब भारत में आए थे उसी समय से उन्होंने ये नियम बना दिया था एक, कि औरत शादी के पहले पिता की संपत्ति होती है और शादी के बाद पति की। वे लोग ऐसा मानते थे कि पति तो कभी पत्नी का रेप कर ही नहीं सकता, क्योंकि पत्नी तो खुद पति की संपत्ति है, तो वे अपने संपत्ति के साथ जो चाहे करे। तो यहाँ लड़कियों को संपत्ति के साथ तुलना किया गया है, लड़की को संपत्ति बोला गया है। लेकिन आज के समय रूस, अमेरिका, यूरोप के देश समेत 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना है, पर भारत उन 36 देशों में आता है। चाइना, पाकिस्तान और भी उन 36 देश ऐसे हैं जो वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं मानते, और समय समय पर यह विवाद होता रहता है, भारत में विवाद चलता रहता है ये कि इसको अपराध घोषित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समय समय पर इस पर विवाद होता रहता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना चाहिए? अपने विचार को कमेंट्स में लिखिए, और आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।